नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूं पूजा और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नेपानगर थाना क्षेत्र के बाकड़ी गांव के हीरापुर जंगल की वन भूमि पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष चला। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई, बल्कि गोलियां भी चलाई गई। इसमें 3 लोग घायल हो गए। जिस वन भूमि के लिए विवाद चल रहा है वह जमीन खंडवा और बुरहानपुर जिले की सीमा पर आती है। दो जिलों की सीमा के कारण वन भूमि को लेकर विवाद 10 साल से जारी है। नेपानगर से 15 किलोमीटर दूर बाकड़ी ग्राम पंचायत में आने वाले हीरापुर के जंगल में वन भूमि पर नवाड़ निकालकर वर्षों से फसल बोई जा रही थी, मगर शासकीय कार्यालय में यह जमीन किसी के नाम से दर्ज नहीं और न ही वन विभाग ने किसी व्यक्ति को भूमि का पट्टा बना कर दिया। यह जमीन खंडवा और बुरहानपुर जिले की सीमा पर है। इसी जमीन को लेकर हीरापुर और बाकड़ी गाँव के आदिवासियों में खूनी संघर्ष चल रहा है। विवाद में 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बाकड़ी गाँव के 20 से 25 लोगों पर केस दर्ज किया। ध्यान सिंह ने गोली मारी। क्या हुआ था मैम? खेती के बारे में, हम वहाँ खेती वहाँ बोने जा रहे थे, बोने की समय थी, हम बोने के लिए जा रहे थे और ध्यान सिंह एकदम से आकर गोली मार दिया मेरे को और मेरे पीठ में गोली लगी और खंधे पे पत्थर लगा है। काई के लिए मारी गोली आपको? खेती के, हमारी खेती छीनने चाह रहे वो। ये खंडवा जिला और बुरहानपुर जिला के बीच की फॉरेस्ट की जमीन है। इस पे लेकर दोनों पक्षों में विवाद पहले से भी चला आ रहा है। वो आज बोनी की बात को लेकर दोनों पक्षों में संघर्ष हुए, जिससे झगड़े में दुपारिया और उसके साथी को चोट आई है। ये विवाद काफ़ी पूर्व से है, फॉरेस्ट की जमीन है, अवैध कब्जा है दोनों पक्षी। कोई कहता है कि हमारी जमीन है, वो कहता हमारी जमीन, जबकि कागज किसी के पास नहीं होती। धार जिले में पुलिस जवानों की रौबदारी से आम जन परेशान है। पुलिस आरक्षक राहुल व बलराम ने वर्दी का रौब दिखाते हुए रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका और अवैध रेत का बोलते हुए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। जब पूरा मामला वीडियो में कैद होते हुए देखा तो जवानों ने न्यूज 29 इंडिया के रिपोर्टर का मोबाइल छीन लिया। इतना ही नहीं, गुस्से में ट्रैक्टर चालक को 4-5 थप्पड़ चढ़ दिए। मामला धार जिले के मनावर तहसील के ग्राम सिघाना का है। आरक्षक राहुल व बलराम ने रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका, अवैध रेत का बोलते हुए 10,000 रुपए रिश्वत मांगी। जब विरोध किया तो वाहन चालक को जवानों ने 4-5 थप्पड़ जड़ दिए। इस पूरे मामले को वीडियो में कैद होते हुए देख न्यूज 29 इंडिया के रिपोर्टर का मोबाइल छीन कर सारा डाटा डिलीट कर दिया। इतना ही नहीं, जवानों ने पकड़ा ट्रैक्टर थाने न ले जाकर कहीं और खड़ा करवा दिया, बल्कि रेत भी खाली करवा दी गई। कहाँ रहते हो आप? पलासी। तो आपके लड़के के साथ में रात में क्या हुआ? रेत एक रिश्तेदार के घर मकान बन गया, उसको रेत पड़ी थी मेरे पास एक्स्ट्रा, तो वो मैंने एक रेत भर के भेजी थी घर से। कहाँ भेजी थी रेत भर के? रेत भर के यहाँ रंतला। अच्छा, तो उसके बाद में क्या हुआ? रास्ता में पकड़ लिया। किसने पकड़ा? पुलिस वाले। देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र के छिपानेर दादाजी दरबार में 111वें दादाजी नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। इस बार का आयोजन भगवताचार्य राजेश व्यास के सानिध्य में हुआ। आयोजन के दौरान सेवादारों का सम्मान भी किया गया। छिपानेर घाट पर दादाजी सेवा भक्त मंडल खातेगांव ने मां नर्मदा में दीप दान कर चुनरी ओढ़ाई। इसके बाद पूजा अर्चना कर मां को भोग भी लगाया। इस दौरान दादाजी नाम संकीर्तन भी हुआ। छिपानेर आश्रम के पुजारी मोनी पंडित सहित कई सेवादारों का सम्मान भी किया गया। मध्य प्रदेश के गुना क्षेत्र में 3 युवकों को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। सेल्फी लेने के दौरान जीप सवार युवक हादसे का शिकार हो गए। इसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। जीप सवार 3 युवक आरोन से गुना आ रहे थे। इस दौरान चलती जीप में युवक सेल्फी लेने लगे, इससे जीप अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। इसमें एक युवक अंशुमन पटेल की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसा बनवीर खेड़ी गांव के पास हुआ।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मां अयोध्या देवी विजयवर्गीय का शनिवार देर रात निधन हो गया था। रविवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम यात्रा में केंद्रीय व प्रदेश भर के कई नेताओं सहित हजारों लोग शामिल हुए। बताया जा रहा है कि वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रविवार को निकाली उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। इसके अलावा श्रद्धांजलि देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, भाजपा नेता शहनाज हुसैन, भाजपा नेता प्रभात झा, महापौर मालिनी गौड़, संभाग आयुक्त राघवेंद्र सिंह, कलेक्टर निशांत वरवड़े, डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र सहित बड़ी संख्या में भाजपा व कांग्रेस नेता उनके नंदा नगर स्थित निवास पहुंचे। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक व्यक्त किया है। बहुत अधिक उम्र है और हम सब लोग उनके इस मध्य में दुखी हैं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और कैलाश बाबू और उनके परिवार को ये दुख सहने का सशक्ति दे और कांके जी के साथ भी आपका स्नेह रहा है। बाकी में कांके साहब ने एक बार अनेक बार मेरे को जाने का योग मिला है और उनका स्नेह प्रेम कैलाश बाबू घर रहे कर रहे हमें। कैसी होती है और माँ का महत्व जीवन में क्या होता है, इसका नायाब उदाहरण काकी जी हैं, जिनका नाम श्रीमती अयोध्या देवी विजयवर्गीय है। और एक सामान्य परिवार का बच्चा अपनी माँ के सहयोग से कैसे आगे बढ़ सकता है, उसका अनुपम उदाहरण स्वयं काकी जी हैं। 93 वर्ष की उम्र में उनका निधन हम सबके लिए जहां दुखी मन करता है, वहीं ऐसे अवसर पर कैलाश जी के प्रति हम सब लोग हिम्मत देने के लिए आए हैं। मित्र है और कैलाश जी से पुराना संबंध है, बचपन से उनकी माता जी से मिलना जुलना रहा, उनका आशीर्वाद रहा और दुख की घड़ी में मैं शामिल होने आया। दिन में मैं यहाँ पर जो मंदसौर की बच्ची जहरे इलाज है उनके लिए परिवार से मिला, डॉक्टर से बात की और हमने कहा कि वो बच्ची सिर्फ उनकी बच्ची नहीं है बल्कि 125 करोड़ हिंदुस्तानी की बेटी है। और कानून ऐसा बन गया है कि नाबालिग के साथ जो इस तरह की हरकत करेगा उसको फांसी होगी। और अच्छी बात है कि वहाँ के लोगों ने भी कहा है कि हिंदुस्तान में भी जगह नहीं देंगे, इस पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। सर, मुआवजे की मांग जो है परिवार ने मना कर दिया है, उसका कहना है सिर्फ फांसी हमारी मांग है। उत्तराखंड के नैनी डांडा ब्लॉक में पीपली भवन मोटर मार्ग पर यात्रियों की एक बस अनियंत्रित होकर 60 मीटर नीचे खाई में गिर गई। इसमें 47 लोगों की मौत हो गई जबकि 14 घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन व पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शवों को बाहर निकाला, वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। नैनी डांडा ब्लॉक में पीपली भवन मोटर मार्ग पर ग्विन पुल के पास बस अनियंत्रित हो गई और खाई में गिर गई। हादसे में 47 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 14 घायल हो गए। वहीं सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घायलों को धुमाकोट अस्पताल में भर्ती कराया है और शवों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बस 28 सीटर है और उसमें संख्या से ज्यादा यात्री सवार थे। बस सड़क से करीब 60 मीटर नीचे संगोड़ी गदेरे गिर गई। जिला आपदा कंट्रोल रूम ने हादसे में 47 लोगों के मरने की पुष्टि की है। अभी के बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।